ओम शांति। आज की तारीख है 13/5/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा टीचर बनकर हमें बेहद के इतिहास और भूगोल का भी ज्ञान देते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। तो मीठे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसीलिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, जरूर रहना भी है। प्रश्न, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? सभी ध्यान से सुने, क्योंकि बाप की जरूरत तो हम सबको पड़ेगी। तो अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर है, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय उनको सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने बाप भी उन्हें मदद करेंगे। प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है, उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर है, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा ही नहीं, वो जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो ये हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसीलिए तुम बच्चे सन्मुख मुखड़ा देखने के लिए आए हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। गीत बजा है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। धारणा के लिए मुख्य ज्ञान की दो बातें, बाबा कहते हैं कि पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है, अति अति कीमती है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। नंबर दो, ये पढ़ाई का समय है, संगम युग हमें पढ़ाई के लिए मिला हुआ है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल भी करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना है। वरदान सतगुरु का, भाग्य विधाता बाप के द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने वाले खुश नसीब भव। अगर हमने ही वो ले लिया खजाना और बांटा नहीं तो बाबा कहते आप खुश नसीब नहीं कहलाओगे, परंतु जो आपको भाग्य का खजाना मिला है उसको आप जितना बांटेंगे उतने आप खुश नसीब बनते चले जाएंगे। बाबा कहते कि सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है जो भाग्य विधाता बाप ने आपको अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी हम पर नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब, भाग्य आपका वर्षा है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है, तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन ही है बांटना, बांटेंगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं। जितना औरों को बांटेंगे उतना अर्थात भाग्यवान बाबा बनाएंगे।
उतना भाग्य आपका बढ़ता चला जाएगा। स्लोगन है निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।